अक्टूबर को शुरू हुआ नरिश न्यूट्रिशन की सरगम का एक म्यूजिकल सफर, जिसमें हमें मिले भारत के 6 से 18 वर्ष के एक से एक म्यूजिकल सेंसेशन। इसमें थे कुछ दिल को छू देने वाले सुर और कुछ जबरदस्त इंस्ट्रूमेंटल्स। अपने न्यूट्रिशन के वादे को पूरा करने के लिए नरिश न्यूट्रिशन की सरगम चला था लेकर एक इरादा, नन्हे सपनों को उड़ान देने का। इस इरादे ने हमें पहुंचाया देश की उन गलियों तक, जहां हमें मिली कुछ ऐसी कहानियां जो दिल को छू गई। बाबुल प्यारे सजना सखारे सुनो मेरी मैया, बोझ नहीं मैं किसी के सर का ना मझधार में नैया। आप सभी को मेरा नमस्कार, मेरा नाम मनीषा पाल है। संगीत मुझे बचपन से पसंद है। मैं सरगम कॉन्टेस्ट को जीत कर से प्राप्त धनराशि को अपने संगीत प्रशिक्षण के लिए यूज करना चाहती हूँ। मेरा नाम ओजस पंत है, मैं 11 वर्ष का हूँ। सबसे पहले मैं नरिश परिवार को मुझे सेलेक्ट करने के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं गाजियाबाद में रहता हूँ। यदि मैं इस प्रतियोगिता में जीत जाता हूँ तो मैं अपना जीता हुआ पुरस्कार अपने गुरु के चरणों में, फिर उसके बाद मैं अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए कुछ और भी नए इंस्ट्रूमेंट खरीदूंगा। संगीत का एक ऐसा महासंगम जिसने 2 महीने में हर जुबान पर छेड़ दी थी नरिश न्यूट्रिशन की सरगम। अपने सपनों से जुड़ना है, मुश्किलों से नजरें मिलाकर आसमां से आगे पहुंचना है, से आगे बढ़ते देश को जिताने का इरादा है, से आगे बढ़ते देश से न्यूट्रिशन का वादा है। इस वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी में हमारे पास आई थी हजारों एंट्रीज, जिसमें से चुने गए थे टॉप 90। इन टॉप 90 ने किया था फेस ऑफ बैटल राउंड में। जहान वे तेरे बाजू कौन है मेरा है। बैटल राउंड के परफॉर्मेंसेस पर दिए गए पद्म श्री कैलाश खीर जी और आपके वोट्स के आधार पर सिलेक्ट हुए थे सुपर 12 म्यूजिकल सेंसेशंस। इन सुपर 12 ने नरिश न्यूट्रिशन की सरगम के ग्रैंड फिनाले में सूफी लेजेंड कैलाश खेर के सामने दी एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंसेस और एक बेहतरीन शाम पहुंची अपने अंजाम पर, लेकर हमारे टॉप 3 विनर्स। चौधरी का चांद हो या मन मोहना बड़ी झूठी। आयो रे मोरा ऋतु आई बसंती आ रे झड़ी
विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनी। दूर उस आकाश की गहराइयों में मांगो, रंग की रंगाई। रिजल्ट्स के दौरान दिखे हमें कुछ उत्साहित चेहरे और कुछ भावुक कर देने वाले पल। हम सभी एक्साइटेड है आज के विनर के अनाउंसमेंट के लिए। हम सभी ये जानना चाहते हैं कि आखिर आज कौन बाजी मार कर जाने वाला है, कौन जीत को अपने नाम करने वाला है। जोरदार तालियों के साथ लेट्स वेलकम अगेन। एंड नाउ वी ऑल आर वेटिंग कि आप आज किसे विनर अनाउंस करने वाले हैं। मेरी दृष्टि में तो सभी विनर होते हैं, जैसा मैंने पहले ही बताया है। जो भी हमारे नरिश न्यूट्रिशन की सरगम का हिस्सा बना वो हमारे परिवार का हिस्सा बना, और उनके लिए विनर होना आज का इसलिए भी तय है सभी के लिए क्योंकि यहाँ से वो बहुत कुछ सीख कर जा रहे हैं। और आज के जो हमारे सब जूनियर कैटेगरी के विनर हैं उनका मैं नाम उद्घोषित करता हूँ। उनका नाम है वेदांत रविकर। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और God bless you, Vedant. Congratulations, Vedant. आप ऐसे ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और चमचमाते रहे। हम सभी की नरिश न्यूट्रिशन की पूरी टीम की ओर से आपको बहुत सारी बधाइयां शुभकामनाएं। अब बढ़ते हैं सब जूनियर कैटेगरी। जूनियर कैटेगरी में हमारे जो विनर हैं उनका नाम है ओजस पंत। ओजस पंत आपको नमस्कार मैम। नमस्कार। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत बहुत आपकी शुक्राना। पहले तो मैं मेरे एक मन है कि मैं सर से जरा बात करना चाहूंगा। बहुत ही मतलब मेरे शब्द नहीं आ रहे हैं कि रियली आपने मेरे बेटे को इतना बहुत सम्मान और यहाँ इस मुकाम पे पहुंचाया। मैं आपके लिए तहे दिल से आभारी हूँ, बहुत बहुत। और ऊपर वाले का मैं शुक्रगुजार करता हूँ कि आज वो इस मुकाम पर आपकी वजह से पहुंचा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। आपको भी बहुत बहुत सर। मैं मेरा एक जिंदगी का आज मैं जितनी भी एज का हूँ मेरा एक सपना वास्तव में ये पूरा हो गया। मैं आपको ये नहीं कह क्योंकि हमें कभी मेरा तो उम्मीद भी नहीं थी कि कभी मैं किसी सेलिब्रिटी को ऐसे आमना सामना देखूं। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी खुशी का पल है और मैं आपके लिए तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं सर। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। हमारे यूथ कैटेगरी में आज के विनर हैं खुशी खंडेलवाल। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं खुशी आपको और आपके पेरेंट्स को भी और आपके गुरुजी को भी। और आज जो विनर नहीं बने हैं मान लीजिए इस वाले इवेंट के, वो मेरी दृष्टि में विनर हैं जिंदगी के, एक अनुभव के, एक एक्सपीरियंस के, एक लर्निंग के। तो उनको भी बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं हैं और आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए हम मनोकामना करते हैं आप सबके। और जुड़े रहिए नरिश न्यूट्रिशन से और जुड़े रहिए बीएल एग्रो से और जुड़े रहिए हम सब से। नमस्कार जी। इस पूरे सफर में हमें भी समझ आई ये बात कि हिंदुस्तान के बच्चों की कला है वाकई लाजवाब। इन 2 महीनों में नरिश न्यूट्रिशन की सरगम का जादू कुछ ऐसा रहा कि चाहे बड़े हो या छोटे, कहीं काम में हो या कहीं घर पे, हर कोई सिर्फ गुनगुना रहा था हमारे जिंगल चैलेंज में नरिश न्यूट्रिशन की सरगम। न्यूट्रिशन का वादा है।
अब उड़ना है, अपने सपनों से जुड़ना है। मुश्किलों से नजरें मिलाकर ओ आसमां से आगे पहुंचना है। इस दौड़ लगाते देश को जिताने का इरादा है। इस आगे बढ़ते देश से न्यूट्रिशन का वादा है। और इसलिए हमने भी किया वादा लौटने का सीजन 2 के साथ।